मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में करीब 270 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा हुआ है। यह जाहिर है कि यह घाटा कंपनी को फ्री मोबाइल फोन, फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा बेनिफिट्स के कारण हुआ है। इस घाटे के बावजूद कंपनी ने 6147 रुपए का रेवेन्यू प्राप्त कर सभी को चौंका दिया है। इस रिजल्ट पर मुकेश अंबानी ने कहा है कि दुनिया बदल रही है, डिजिटल हो रहा है और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। भारत डिजिटल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वॉइस से डेटा में जाने के सफर में जियो देश में एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। जियो के अनुसार नेटवर्क पर करीब 138.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 15.3 मिलियन सब्सक्राइबर इस क्वार्टर में जुड़ेंगे। कंपनी का कहना है कि करीब 178 करोड़ घंटों का हाई स्पीड वीडियो हर महीने जियो यूजर्स कंज्यूम कर रहे हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन रैंकिंग में जियो के लॉन्च से पहले भारत 155वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत मोबाइल डाटा कंसप्शन में टॉप रैंक होने वाले देशों में से एक है। जियो यूजर्स ने इस क्वार्टर में हर दिन करीब 267 करोड़ मिनट वोल्टी कॉल्स की है। यह सब कुछ जियो ने 12 महीने से भी कम समय में किया है। इन सभी का श्रेय जियो के फ्री और सस्ते टैरिफ प्लान्स की वजह से मुमकिन हो पाया है। जियो को चुनौती देने के लिए अन्य ऑपरेटर्स और देश की बड़ी कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं। एयरटेल सहित वोडाफोन और आइडिया भी कई नए ऑफर पेश कर रही है। एयरटेल ने जियोफोन को टक्कर देने के लिए अब 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया है, जो कि 1399 रुपये की इफेक्टिव कीमत में आता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।